Good morning, students. Myself Ranjita Chaudhary, your chemistry teacher, and today our topic is sodium carbonate decahydrate. Sodium carbonate decahydrate, its common name is washing soda, and the chemical name is sodium carbonate decahydrate. Decahydrate means the sodium carbonate compound having 10 H2O molecules. Okay, now the topic is manufacturing of sodium carbonate. First of all, I want to tell you about the difference between the manufacturing and the preparation. When any compound is formed in laboratory, it is known as preparation, while on the industrial base material when formed, it is known as manufacturing. जैसे आप साबुन बना रहे हैं, सॉप अगर आप बना रहे हैं लेबोरेटरी में, तो वो होगी प्रिपरेशन. और अगर आप इंडस्ट्रियल वे में बना रहे हैं, मीन्स कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, मीन्स बड़े स्केल पर अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है, इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग. नाउ द टॉपिक इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सोलवे प्रोसेस और बाय अमोनिया सोडा प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद अमोनिया विद ब्राइन सोल्यूशन, as we told earlier in last video that brine solution is the composition of sodium chloride and water. When sodium chloride form aqueous solution, this solution is known as brine solution. Okay, that means NaCl and H2O ke combination ko hum kahenge brine solution, right? Now when carbon dioxide react with ammonia with brine solution, it convert or give the precipitation of sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate with ammonium chloride. Okay, and this sodium bicarbonate on heating gives sodium carbonate with the evolution of CO2 gas and water. Okay, and this Na2CO3 is known as dehydrated sodium carbonate. अब देखिए, आप Na2CO3 into 10H2O को आप बोल रहे हैं sodium carbonate decahydrate, means 10H2O molecule उसके अंदर present हैं. यहाँ आप कह रहे हैं Na2CO3 मतलब सोडा ash, मतलब सोडे की राख यहाँ पर है. dehydrated form में आपका compound present है. sodium carbonate decahydrate इसको हम बोलेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे सोडा ash. Right, now on the crystallization of sodium carbonate, means sodium carbonate ko agar hum water ke saath mein 10H2O molecule ke saath react kara rahe hain, to yahan par ye 10H2O aggregation form mein yahan jud jata hai, jise hum crystalline water bolte hain. The water present in any compound जब उसकी कोई भी कंपोजिशन चेंज नहीं होती. सपोज आप रिएक्शन कर रहे हैं NaCl की H2O से रिएक्शन करा रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि NaOH और HCl बन जाएगा, तो वहाँ हम उसको रिएक्शन बोलेंगे. इट इज़ जस्ट एग्रीगेशन, सिर्फ जुड़ गया है Na2CO3 के साथ में, कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है. और यही रीज़न होता है कि जब भी आप इस तरह के कंपाउंड को हीट करेंगे जिसमें हाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले वो वाटर मॉलिक्यूल ही ऑन हीटिंग इफ़ेक्ट वहाँ से इवॉल्व हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. राइट, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेनिंग 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मीन्स मैंने जैसे पहले बताया आपको कि जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं H2O, 10H2O यहाँ पे क्रिस्टल वाटर है. ओके, इट इज़ रेडिली सॉलेबल इन वाटर. वाटर के अंदर बहुत जल्दी से ये सॉलेबल हो जाता है, मिसेबल है वाटर के अंदर. इट गिव्स एल्कलाइन सोल्यूशन. एल्कलाइन सोल्यूशन देता है वाटर के साथ में, जो कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस कर देगा. रीज़न इज दैट कि वैन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म, इट गिव स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. ओके, NaOH एंड H2CO3 ये फॉर्म करता है, और H2CO3 इज़ अ वीक बेस, वीक एसिड सॉरी, एंड NaOH is a strong base, then the resultant solution pH will be greater than 7. क्योंकि यहाँ पर आप कह रहे हैं strong base and weak acid, तो strong base और weak acid का combination हमेशा basic आता है. alkaline means basic solution. Okay, reaction with air. एयर के साथ में अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, मीन्स अगर हम सोडियम कार्बोनेट को, वॉशिंग सोडा को एक्सपोज कर दें एयर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है मॉइस्चर के साथ में बाहर रिलीज हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ Na2CO3 into H2O, मीन्स मोनोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आपके पास बचेगा.
ओके. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्शन ऑफ हीट. जैसे कि मैंने पहले बताया कि इफ एनी कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, मीन्स कोई भी कंपाउंड अगर क्रिस्टलाइजेशन वाटर के साथ है, जब भी हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि जो वाटर है क्रिस्टल फॉर्म में, क्योंकि इसका कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, ड्यू टू द ओनली एग्रीगेशन फॉर्म ऑफ द H2O मॉलिक्यूल विद एनी केमिकल कंपाउंड, इट रिलीज फ्रॉम दिस कंपाउंड एंड लीव आउट द कंपाउंड. मीन्स यहाँ से ये जो 10H2O पूरे के पूरे बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे आपको एनहाइड्रस या फिर डीहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है. ओके. एंड द लास्ट पॉइंट इज यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट और यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में काम आता है. हार्डनेस मैं बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि आगे आप कहीं भी हार्डनेस ऑफ वाटर नहीं पढ़ेंगे, फिर आपका 11th में ही एक टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्ड वाटर, वाटर दैट मीन्स द केमिकल कंपाउंड हैविंग फार्मूला H2O एंड विच हैव द हाइड्रोजन एंड वाट ऑक्सीजन इन द रेशो ऑफ 2 and 1 इज नॉन एज वाटर. 100% वाटर इज नॉन एज डिस्टिल वाटर. एंड द वाटर विच हैव मिनरल्स इन इट इज नॉन एज पोटेबल वाटर. मिनरल्स मीन्स जैसे सोडियम क्लोराइड है. और अगर कोई ऐसा कंपाउंड वाटर के अंदर मिला हुआ है जिससे साबुन के साथ में वो झाग बनाने में कैपेबल नहीं है, उसकी जो टेंडेंसी है लेदर फॉर्म करने की वो ख़त्म हो गई है, तो उस वाटर को हम हार्ड वाटर कहेंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सॉप है या डिटर्जेंट है हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट सॉल्ट की वजह से स्कम बना लेते हैं, और वो स्कम होता है जो लेदर फॉर्मेशन नहीं होने देती. तो जो हार्ड वाटर है, मतलब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड, वाटर शो हार्डनेस. एंड दिस टाइप ऑफ वाटर इन विच इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इज नॉन एज हार्ड वाटर. तो हार्ड वाटर को प्योर वाटर बनाने में ये यूज होता है. इट इज़ यूज फॉर वॉशिंग पर्पज. वॉशिंग पर्पज में ये लॉन्ड्री में या जैसे क्लिनजर वगैरह होते हैं उसमें यूज़ होता है. इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ करते हैं. मैनुफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड है, तो इससे जब भी आप इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये सोडियम और CO2 रिलीज करेगा. इससे सोडियम के मोस्टली कंपाउंड बनाए जा सकते हैं. ओके. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट इज़ यूज एज अ रिएजेंट इन द लेबोरेटरी. और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो आप 10th, 11th, 12th में पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो आपको लैब में रखा जरूर मिलेगा. दैट मीन्स इट इज़ अ मेन लेबोरेटरी रिएजेंट. ओके. अगर आपको नहीं भी पता है कि क्या यूज़ है, तो ये यूज़ आप हर जगह पर लगा सकते हैं कि दैट कंपाउंड इज़ यूज एज अ रिएजेंट इन द लेबोरेटरी. ओके. नाउ द टॉपिक इज़ कम्प्लीट. And next topic will be bleaching powder. So you have to note down the notes and you have to learn this topic for the upcoming test. Okay. Have a nice day. Thank you.